जो सरकार बनता है वही सरकार खुटी चोर करके निपट जाता है। 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, गरीबी के चलते हम लोग तो आए हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं मदद चाहते हैं हम, वो भी पूरा नहीं मिलता है, उसमें भी कट जाता है, 3 किजी तो कट जाता है। फिर आज उराव समाज को पाँव में कुचल रहा है, अगर पूरे झारखंड की जनता आएगा तो कैसे लाया जाएगा हमारे पास आने का साधन? तो विदेश से उनको फंड आ रहा है, उसको भी खा रहा है। उराव समाज की हक अधिकार को जर्नल समाज खा रहा है। अभी मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं। उराव समाज से ये कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे लोग झारखंड से आए हैं अपनी मांग को लेके। वैसे तो ये लोग ST में हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, लेकिन इन लोग की जो हक अधिकार है इन तक नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ पे आरक्षण भी है झारखंड में, और फिर भी आप लोग को आरक्षण है? क्या चीज़ का आरक्षण? जैसे शेड्यूल ट्राइब में ST में आरक्षण है, पढ़ाई लिखाई को फ्री में मिलता है? पढ़ाई लिखाई नहीं नहीं मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। नहीं, स्कूल है या नहीं है? स्कूल तो है लेकिन उतना सुविधा नहीं है, फिर कि हम लोग को बच्चा फिर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़ा सकेंगे? जमीन चाहिए आप लोगों को? जमीन तो जितना है उतना ही, कहाँ से मिलेगा जमीन? कोई सरकार दे रहा है जमीन? सरकार पैसा दे सकता है लेकिन जमीन नहीं दे सकता है, इसलिए तो आए हैं। फिर हम लोग झारखंड से गुमला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो सरकार पैसा दे रही है? पैसा तो कहाँ, अभी तो नहीं दे रही, बच्चा लोग को थोड़ा मोड़ा देते हैं, लेकिन आधा सरकार खाती है फिर आधा मिलती है। क्या मिलता है? वो मिलता है फिर ड्रेस वगैरह बोलते हैं, फिर कुछ खाता खुलने के लिए बोलते हैं मास्टर लोग, आधा खाता खुलता है बच्चों लोगों को, आधा खाता खुलता ही नहीं है। फिर तो ड्रेस अपने तरफ से ही खरीदना पड़ता है, वो किसी तरह से खरीदते हैं। कहाँ तक पढ़ा है आपका बच्चा जो है, कहाँ तक पढ़ा है? हमारे बच्चा अभी तो पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहा है, फिर उतना ही तक के लिए खाता नहीं खुलता है फिर पूरे बच्चे के लिए, तो हम लोग कहाँ से फिर। कितने तक का स्कूल है सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल तो कितने है, तक का क्लास है? 8 क्लास तक है हमारे शिवराजपुर। 8वां तक कोई पढ़ा है यहाँ पे? अभी तो बच्चे। आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो क्या 5-6 क्लास पढ़े लिखे हैं, उसके बाद में बच्चे लोग। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं मदद चाहते हैं हम। मदद तो दे रही है सरकार? दे रही है लेकिन वही तो बोल रहे हैं फिर कि बच्चे लोग को भी मिलता है ड्रेस वगैरह, उसको फिर खाता ही नहीं खुलता है, तो मास्टर भी नहीं देता है। फिर किस तरह का मदद चाहते हैं? पैसा चाहते हैं, राशन चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पढ़ाई भी चाहते हैं, फिर राशन भी चाहते हैं आधे लोग के लिए, फिर राशन भी नहीं मिलता है। फिर आप बोल रहे थे आप लोग 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, कैसे? 3 दिन से तो ट्रेन में आ रहे हैं दिल्ली, सरकार से फिर कुछ बोलेंगे ये बोल के फिर आए हैं। इसमें 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, क्या क्यों नहीं बोलने सकेंगे हम? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगी? नहीं खा है भैया, नहीं खा। हम लोग का तो राशन पानी ना कुछ काट ना फाट कुछ नहीं बहन है। महिला के लिए ठीक काम कर रही है सरकार? औरतों के लिए ठीक काम कर रही है? हमको औरत जो आप सारे औरतें हैं उसके लिए अच्छा काम कर रही है? आप जैसा कहा है, देखिए ये लोग इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं, इन लोग में अभी शिक्षा की कमी है, ये लोग बोल तक नहीं पा रहे, अपनी जो मांग है वो बोल तक नहीं पा रहे। अगर इनके पास शिक्षा होता, पढ़ाई होती, तो ये अपनी मांग जोर शोर से मांगते और चिल्ला के ये लोग बोल तक नहीं सकते हैं। क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग तो गरीबी के चलते हम लोग तो आए हैं, हाँ, और बच्चा सबको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग गरीब हैं लेकिन तो कैसे पढ़ाएंगे? कभी किसी का मजदूरी कर भेजते हैं, अब खाने के लिए नहीं रहेगा तो नहीं भेजेंगे, उसी के चलते आए हैं। रोजगार नहीं है? रोजगार खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा मोड़ा करते हैं, लेकिन माने कि शिक्षा नहीं है, बच्चा सबको शिक्षा देने नहीं सक रहे हैं,
ऐसा नहीं है तो शिक्षा नहीं है तो कैसे शिक्षा देंगे? लेकिन फ्री में तो शिक्षा मिल रहा है। फ्री में मिलता मिलेगा मैया, लेकिन तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे शिक्षा मिलेगा? तो सरकारी स्कूल सब है लेकिन राशन वो भी नहीं मिलता है। फिर कितना राशन मिलना है? 5 kg मिलता है, वो भी पूरा नहीं मिलता। वो भी पूरा नहीं मिलता है, उसमें भी कट जाता है, 3 kg तो कट जाता है। फिर एक आदमी का 2 kg मिलता है? 2 kg के हिसाब से मिलता है। तो कैसे गुजर बसर करते हैं आप लोग? अब तो किसी तरह फिर खेती बाड़ी करते हैं, उसी से फिर गुजार चलाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं उसी से। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू बचाओ जंतर मंतर पे आए दिन जो है धर्म को लेके लोग आते हैं कि धर्म बचाओ, धर्म खतरे में है, यहाँ इंसानियत खतरे पे है, यहाँ इंसान खतरे में है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये लोग बोल तक नहीं पा रहे हैं सही से, और लोग जो पिछड़ा जात बन गए हैं, इसलिए फिर हम लोग का फिर जाति चाहिए या पढ़ाई चाहिए? उराव जाति का हम लोग का सामग्री मिलता है, उसको तो फिर दूसरे जात ले जाते हैं, तो हम लोग के लिए सामग्री ज्यादा नहीं मिल पाता है। फिर वहाँ पे तो हेमंत सोरेन है ना, हेमंत सोरेन भी उतना नहीं दे पा रहा है हमारे को, उराव लोग को। क्या बोलते हैं सर? उराव लोग को क्या देगा, वो तो आदिवासी के लिए फिर देता है फिर, और हम लोग उराव जाते पिछड़ा पड़ जा रहे हैं फिर। आदिवासी भी तो पिछड़ा ही है, हम लोग कुड़ूख उराव हैं, बिल्कुल छोटा जात है ऐसे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सोचते थे, जितना मुझे पता था कि आदिवासी जो है सबसे पिछड़ा जात है, लेकिन उनमें भी जाति होती है। उराव एक जाति है जिसमें पढ़ाई की कमी है, रोजगार की कमी है। उराव हाँ, ये लोग उराव कैसे छोटा रहेगा? उराव से ही तो जर्नल आज आया हुआ है, पूरा विश्व में जर्नल फंसा हुआ है, भरा हुआ है, और आज उराव समाज को पाँव में कुचल रहा है। तो आप कौन कुचल रहा है? आज सरकार कुचल रहा है कि ये जर्नल कुचल रहा है, उसको हम नहीं कह सकते हैं। सरकार तो अच्छा काम कर रही है जनता के, सरकार तो जनता के लिए कर रहा है, लेकिन जर्नल जनता के लिए कर रहा है, आदिवासी के लिए कर रहा है, हम उराव समाज के लिए नहीं कर रहा है। जनसंख्या है उराव की, हमारे 3-6 crore से अधिक हमारे पूरे देश में। हाँ, उराव झारखंड में, झारखंड में ही। तो आप लोग तो मात्र 10-20 लोग हैं। 10-20 लोग बेटा आए तो 10-20 लोग क्यों आए? गरीबी के नेते हमारे पास कुछ नहीं है, तो आने समय हमने ना ट्रेन में भाड़ा दिया है, नहीं तो भाड़ा कहाँ से देंगे, और खाने तो खाना नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया कितने दिनों से? देखो हमने बुध दिन बुधवार को रात को खाया, उसके बाद हम लोगों खाना नहीं खाया है। चिवड़ा लाए, चिवड़ा को भी खाने का दिल नहीं करता है, कहता है कि एक मुट्ठी भात खाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो भात मिलता नहीं है, जहाँ भात है वहाँ जाते हैं तो कहते पैसा दो, तो हमारे पास पैसा नहीं है, 1-2 rupees दरबार घूमता हूँ तो उससे क्या होता है, इतने इतने जनता को अभी तो 35-40 जनता आया हुआ है, अगर पूरे झारखंड की जनता आएगा तो कैसे लाया जाएगा, हमारे पास आने का साधन नहीं, इन लोगों के पास साधन तक नहीं है कि ये लोग वहाँ से आ पाए। ये लोग 3 दिन से खाना तक नहीं खाए, चूरा लेके आए थे अपने साथ, जो बहुत लोग पोहा के नाम से जानते हैं, ये लोग पोहा लेके अपने साथ आए हैं और 3 दिन से भूखे हैं। समझिए कि कितना पीछे है अभी चीज़ें। ये अभी 10-20 लोग आए हुए क्योंकि इनके पास साधन नहीं है सारे लोगों को लाने का। क्या क्या चाहते, क्यों अभी तक आप इतने पीछे हैं? आज़ादी को 75 साल हो गया है। हम यही सोचते थे कि सरकार तो बन रहा है, कोई सरकार तो हेल्प करके ले जाएगा, लेकिन जो सरकार बनता है वही सरकार खुटी चोर करके निपट जाता है, तो हमें खुटी चोर सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए तो गरीब अमीर को देखने वाला सरकार चाहिए।
क्योंकि आज गरीब को आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? गरीब के नेते पढ़ाई कर नहीं पाए। सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं और खाना बनते तक वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, हाजिरी लगता है और मास्टर लोग खाना बनता है, खाना खिला के छुट्टी कर देते हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? और घर में पढ़ने को बैठते हैं। मास्टर कौन जाति के हैं? मास्टर आज जर्नल में भी है, कुछ उराव समाज में भी है, लेकिन कोई नहीं है, सब मतलब कि जर्नल में ही जाके फंसा हुआ है। वो कहता है कि उराव समाज में हम बात करेंगे तो हमारा रोजी तनख्वाह रुक जाएगा, कहता है और नहीं कार्रवाई करता है। उराव समाज में ऐसा क्या दिक्कत है जो बोलते हैं उराव समाज में जाएंगे तो रोजी तनख्वाह? अभी उराव समाज से ईसाई समाज में जा रहे हैं तो विदेश से उनको फंड आ रहा है, उसको भी खा रहा है, और उराव समाज से जो सामग्री दिल्ली से जा रहा है, ट्रके ट्रक, ट्रेने ट्रेन के बुग्गी, वो उराव समाज की हक अधिकार को जर्नल समाज खा रहा है। और उराव समाज को अभी भी सरकार अगर जाके इंक्वायरी करता है ना तो कोई विकलांग को वहाँ देने वाला है, ना तो अच्छे को देने वाला है, ना तो पढ़ने के लिए। क्या कर रही है सरकार? सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार कर रही है तो जर्नल के लिए कर रही है, हम उराव के लिए नहीं कर रही है। और ठेठ उराव है, उराव तो कहती है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इंक्वायरी करने के लिए अगर दिल्ली से जाएगा तो एक एक सेकंड में पकड़वा देगा। हम देखिए, आप इनको देख सकते हैं कितने कमजोर लग रही है, सारे लोग इनको भी देख सकते हैं, आप सारे लोग बहुत ही कमजोर, इनके चेहरे पे भूख और परेशानी दिखाई दे रही है, गरीबी तो है ही। और अभी लोग ये लोग हक अधिकार के लिए अभी लोग अपना हक तक नहीं ले पा रहे, और भारत जो है अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बना रहे भारत को, भारत विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहा है, राम राज आ गया, ये है राम राज की हकीकत। आप देख सकते हैं कि आदिवासी एससी एसटी जो समाज में लोग आते हैं उन तक अभी तक हक जा ही नहीं रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार जो है जनरल वालों के लिए कर रही है, जो अमीर है उसको अमीर और जो गरीब है उसे और गरीब बनाई जा रही है। 5G के ज़माने में इन लोगों को सही से रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है, सही से इन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, अनाज नहीं, जो 5 किलो राशन देने की बात कहती है सरकार, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 5 किलो राशन की, उन तक सिर्फ 2 किलो राशन पहुंच पाता है। तो आप देख सकते हैं ये है स्थिति हमारे भारत देश की। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।